लिखी तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा हटेगा कोई कारा घोरी चंडीगढ़। ओके सो भाई लोग कैसे हो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग, तो कि देख सकते हो कुछ इस तरह की सॉन्ग आप लोगों ने प्रीव्यू में तो सुना कि यह सॉन्ग इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हेलो ब्लर और ये सब एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो ब्लर जो ये देख सकते हो क्यूआर कोड की मदद से कुछ लोग करते हैं, तो प्रॉपर इस तरह की हेलो ब्लर जो कि नहीं आता है क्यूआर कोड से, जैसे कि ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो वायरल चल रही है। तो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो इसी तरह की वीडियो प्रॉपर इसी टाइप की हेलो ब्लर और एनिमेशन के साथ आज की इसी वाली वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को सुपर वीपीएन को गाइस इंस्टॉल कर देना है और कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। ओके कैपकट एप्लीकेशन आप लोगों को लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सुपर वीपीएन को यहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, वहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। ओके तो उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लोगों को जाना है, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। कैपकट को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। ओके तो न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद गाइज आप लोगों को सिंपली यहाँ से आप लोग की वीडियो फुटेज जो है उसे आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। ओके तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो फुटेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल के तौर में एक वीडियो ले रखा है, तो आप लोगों को अपनी वीडियो ले लेना है और देख सकते हो कुछ इस तरह का वीडियो फुटेज है। फिर गाइज हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो ऐड करेंगे। तो ऑडियो पर क्लिक करके फाइल में जाकर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो वायरल वीडियो पे क्लिक करके आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है। ये सॉन्ग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वायरल वीडियो आप लोगों को भी टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सो ये काम हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक एप्लीकेशन जो क्या बोलते हैं ओवरले ऐड करना है। तो इतना जितना है म्यूजिक उतना रखते हैं, तो एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर लेते हैं। फिर गाइज चलते हैं ओवरले में, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्या देख सकते हो कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया गया है। ओवरले में जाके ऐड ओवरले में जाएंगे, वायरल वीडियो को ऐड करेंगे, जहाँ से जो इफेक्ट है जो ख़त्म हो रहा है वहीं तक हम लोग क्या करेंगे वीडियो को स्प्लिट करेंगे। देख सकते हो कुछ इतना तक आप लोग जा रहा है और ये इतना आप लोगों का जो इफेक्ट ख़त्म हो रहा है। ओके तो सिंपली यहाँ से इतना इफेक्ट आप लोगों का ख़त्म हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को अच्छे से प्ले करके देख लेना है कहाँ से ये इफेक्ट ख़त्म हो रहा है और एनिमेशन आ रहा है, तब वहीं से आप लोगों को मेन वीडियो जो है आप लोगों का वीडियो मेन वीडियो उसको क्या करना है स्प्लिट कर देना है। ओके तो सिंपली यहाँ से क्लिक करना है मेन वीडियो को और स्प्लिट कर देना है। ओके तो स्प्लिट कर लेना है और उसके बाद गाइज आप लोगों को देख लेना है कि किस तरह से आप लोगों की जो ये वीडियो चल रही है स्लो मोशन कितना है, कितना ये सब है, तो उसको ऐड कर लेना है। ओके ओके सो गाइस देख सकते हो इतना जो है हमारा स्लो मोशन आता है, इतना यहाँ से हमारा इफेक्ट आता है। तो मैं क्या करूँगा, जितना स्लो मोशन की पार्ट है सो मैं क्या करता हूँ इतना स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ से हमारे जो इफेक्ट वगैरह आने लगेंगे। तो ये देख सकते हो स्लो मोशन का पार्ट है, फिर यहाँ से हम लोगों का जो इफेक्ट आएगा ये तो पूरा का पूरा वीडियो स्लो मोशन होकर रहेगा। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोगों बैक चले जाना है और यहाँ से ओवरले वाला वीडियो को डिलीट कर लेना है, इफेक्ट में जाकर वीडियो इफेक्ट में जाना है। ओके तो वीडियो इफेक्ट में जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को हालो ब्लर करके एक ब्लर है वो मिल जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। ओके तो यहाँ से ट्रेंडिंग में ही मिल जाता है, तो अगर यहाँ से आप लोगों को नहीं मिलता है तो यहाँ से आप लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी मिल जाए करेगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोगों को सर्च सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ से नाइट क्लब वगैरह है, ढेर सारे इफेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो उस वीडियो में, तो अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। सो इधर ढेर सारे इफेक्ट वगैरह यहाँ पर मिलते हैं वीडियो इफेक्ट में। ओके तो मैं जो बात कर रहा था हेलो ब्लर की, तो आप लोग सर्च में लिख देना है हेलो ब्लर, तो ये देख सकते हो आ चुका है ऊपर में हेलो ब्लर, उसको आप लोग डाउनलोड कर देना है और उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो ऐसा हेलो ब्लर आप लोग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो और एडजस्ट में जाकर इसको जो साइज वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इसका साइज़ को इतना हम लोग रख लेते हैं। ओके तो ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्लैक टाइप का वीडियो मैंने ले रखा है। अगर मैं एक डे वाली वीडियो लेता, मतलब वो वाला वीडियो डे वाली मतलब सनसेट वाली, वो उसमें अब दिख जाता वीडियो। ओके हेलो ब्रो अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे इफेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो इफेक्ट हम लोग को रॉक वर्टिकली को गाइस लगाना है, जो जिस जगह पर आप लोग ट्रांजिशन लगाना चाहते हो। ओके सो यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो
क्या बोलते हैं इफेक्ट वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह, एनिमेशन वगैरह वो यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन में चले जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट वगैरह मिलते रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग इस टाइप का वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, मिरर कर सकते हो क्रॉप में जाके। तो देखे तो इस टाइप से एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये काम कर देने के बाद गाइज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बीच में से इसे स्प्लिट करेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में से स्प्लिट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ से स्प्लिट आइकन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ के व्हाइट आइकन बन जाता है। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो गाइज, यहाँ से आप लोग एक इफेक्ट भी लगा सकते हो, जो जहाँ से स्प्लिट किया था व्हाइट आइकन पे, तो उस आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों को व्हाइट स्प्लैश करके एक इफेक्ट मिल जाएगा। तो देखे तो वहाँ पे क्लिक कर लेना, तो आप लोगों के वीडियो में एक व्हाइट स्प्लैश करके इफेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला व्हाइट जो स्प्लिट आइकन में क्लिक करके इधर भी हम लोग व्हाइट स्प्लैश को लगा देंगे और जिसको ट्रांजिशन का स्पीड को रखेंगे 0.8 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इधर भी एक है, तो इसको हम लोग क्लिक करके व्हाइट स्प्लैश को लगा देना है। ओके, तो व्हाइट स्प्लैश को लगा दीजिए, तो इस तरह से आप लोग इफेक्ट आने लग जाएगा, देखने में बहुत ही औसम लगेगा। तो वही देख सकते हो कुछ इस तरह का आप लोग वीडियो बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये वाला जो हालो ब्लर है, तो अगर आप लोग इसमें और ज़्यादा सर्कल वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो इसकी एडजस्टमेंट को और ज़्यादा कर सकते हो, साइज वगैरह बढ़ा सकते हो एडजस्ट पर क्लिक करके। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक और ब्लर इफेक्ट भी है, उसको क्या कर सकते हैं, जो डायमंड ब्लर बोलते हैं उसको अगर यूज़ करते हो और भी ज़्यादा आप लोगों सर्कल वगैरह क्रिएट होगा। ओके, तो दिखा देता हूँ, चलते ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। तो देख सकते हो डायमंड जूम करके है, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका जो एडजस्टमेंट ऑप्शन है, तो इसका एडजस्टमेंट ऑप्शन में जाके साइज वगैरह को ज़्यादा कर लेना है, इंटेंसिटी को ज़्यादा कर लेना है और साइज वगैरह को ज़्यादा कर लेना है। तो आप लोग की वीडियो क्या होने लग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा सर्कल वगैरह क्रिएट होने लग जाता है, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था। और अगर हालो ब्लर में इसी टाइप की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर लोगे, एडजस्ट को ज़्यादा कर लोगे, तो आप लोगों का वीडियो में सर्कल वगैरह ज़्यादा क्रिएट होने लग जाता है। तो देखिए शायद तो कुछ इस तरह का बन जाता है। ओके, तो उसके बाद गाइज यहाँ से हम लोग चलते हैं, मैं बता रहा था कि स्लो मोशन ऐड किया गया है, तो स्पीड में जाके आप लोगों को स्लो मोशन कर देना होगा नॉर्मल पे क्लिक करके। यहाँ से देख सकते हो माइनस में जैसे ही जाओगे तो आप लोगों का वीडियो जो है स्लो मोशन में बन जाएगा। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ से डन कर लेते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह की वीडियो है और आप लोगों का वीडियो जो है स्लो मोशन में बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा था कैसे आप लोग स्लो मोशन भी कर सकते हो, सो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो को स्लो मोशन थोड़ा सा कर लेना ताकि वीडियो और भी शानदार लगे। तो यहाँ से एक स्प्लिट आइकन क्रिएट कर लेते हैं, तो स्प्लिट आइकन क्लियर करेंगे तो फिर गाइस यहाँ से आप लोग स्प्लिट आइकन में हम लोग जाके एक व्हाइट फ्लैश को लगा देंगे। तो सिंपली यहाँ से व्हाइट फ्लैश को लगा देंगे और यहाँ से डन कर लेंगे, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का आप लोग इफेक्ट आने लग जाएगा पूरी के पूरे वीडियो में, जो कि देखने में बहुत ही औसम है। आप लोग चाहो तो और भी ज़्यादा एनिमेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, शेक इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मेरा काम था आप लोगों को बता देना कि इस तरह की सॉन्ग में ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इस इफेक्ट वगैरह और ब्लर वगैरह। और ये जो ब्लर वगैरह आप लोगों को VN का QR कोड दिखा रहे थे वहाँ पे नहीं मिलता है प्रॉपर, आप लोग जाके कैपकट में यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर मिल जाएगा। जो सर्कल वाला इफेक्ट, हेलो ब्लर वाला इफेक्ट, वही इफेक्ट को लगाइएगा, आप लोगों की वीडियो बहुत ही ऑसम लगेगी। तो वीडियो गाइस कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरलेस AD में।